हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वीदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर दो कंडीशन है, कंसिस्टेंट की है और इनकंसिस्टेंट की। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखिए जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें शुरुआत में इंट्रोडक्शन डाल दिया था, उसमें हमने ये भी बता दिया था जो कंसिस्टेंट होते वो क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस इक्वेशन का सोल्यूशन आएंगे वो कंसिस्टेंट होते हैं, जिसका सोल्यूशन नहीं आएगा वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए फर्स्ट पार्ट में लिखा है स्टूडेंट 3x + 2y = 5। सेकेंड इक्वेशन इसके दिए 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रेशियो लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो हमारा जो रेशियो बनेगा a1/a2 ये हो जाएगा 3/2। इसके बाद आप b1/b2 देख लीजिए, जो हमारा b1/b2 होगा वो हो जाएगा 2/-3। और c1/c2 जो हमारा बनेगा, c1 यहाँ पे देखिए इक्वेशन में हमारा इक्वल में दिया है 5, तो जब 5 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो c1/c2 ये हो जाएगा -5। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में 7 इक्वल में दिए तो उसको हम जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगी -7। तो ये -- कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमको 5/7 इस तरीके से लिख देना है। तो देखिए स्टूडेंट a1/a2 और ये हमारा b1/b2। देखिए स्टूडेंट a1/a2 जो आ रहा है वो आ रहा है 3/2, b1/b2 आ रहा है 2/3 जो कि माइनस में भी है। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, और उसके बाद में जो इसका न्यूमेरिकल वो भी अलग अलग है, वो 3/2 ये 2/3 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल। तो जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं, यहाँ पर आप b2 लिख दीजिए स्टूडेंट, b2 है ये, b1/b2 भी इक्वल नहीं है। तो जब a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होते हैं तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करेंगी एट अ वन पॉइंट, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसके साथ इसका वन सोल्यूशन होगा। तो जिस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है स्टूडेंट उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कंसिस्टेंट लाइन। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए इसको सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमारे जो लाइन दी हैं 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, यहाँ पर a1/a2 और b1/a2 निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो हमारा a1/a2 आएगा वो क्या आएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 = 2 दिया है, और जो हमारी a2 की वैल्यू दी है वो दी है 4। तो इसको यहाँ पर हम कट भी कर सकते हैं, 2 * 2 = 4। तो a1/a2 हमें मिल जाएगा 1/2। इसके बाद हम देखते हैं b1/b2 क्या आएगा, तो जो b1 की वैल्यू दी है वो -3 में दी है, b2 की वैल्यू दी है -6 में, तो ये -- कैंसिल हो जाएगा, 3/6 को भी हम कट करके 1/2 लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं c1/c2 क्या है, तो देखिए c1 की वैल्यू दी है इक्वल में 8, -3y = 8, तो जब 8 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -8। दूसरी इक्वेशन में 9 भी राइट साइड में दिया, इसको लेफ्ट में लाएंगे -9 हो जाएगा, तो -- तो कट हो जाएगा लेकिन 8/9 कट नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट जो हमारे रेशियो बन रहे हैं a1/a2 = b1/b2, देखिए a1/a2 की वैल्यू 1/2 दी है, b1/b2 की 1/2, लेकिन जो c1/c2 है वो 8/9 दिया है, हम कह सकते हैं इज़ नॉट इक्वल, तो ये इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर आप c1/c2 लिख दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर शुरुआत के दो रेशियो इक्वल हैं लेकिन थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होता है। तो जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, यहाँ पर जो लाइनें जाएंगी वो पैरेलल लाइन जाएंगी, और पैरेलल लाइन में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो जब सोल्यूशन नहीं होगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट।
तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड पार्ट भी हो गया है। इसके बाद में स्टूडेंट देखते हैं थर्ड पार्ट। तो इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो इक्वेशन दी है उसमें दिया है फर्स्ट लाइन जो है 3 by 2x + 5 by 3y = 7। सेकेंड लाइन है 9x - 10y = 14। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशियो लिख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रेशियो बनेगा a1 by a2, तो a1 की वैल्यू स्टूडेंट दी है 3/2, और जो हमको b1 दिया है, b1 नहीं यहाँ पर a1 by a2, जो हम यहाँ पर a1 दिया स्टूडेंट वो 3/2 दिया है, और जो a2 दिया वो दिया है 9। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ऊपर का जो रेशियो हमारा है, यहाँ पर हम रेशियो इसको भी कह सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ऊपर की फ्रैक्शन हमारी है 3/2, नीचे यहाँ पे देखिए 9 है तो इसके नीचे हम 1 भी कह सकते हैं, ये 9/1 है, तो जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी 1/9। तो इसको हम कट कर देंगे, 3 1 3 3 3 9, तो a1 by a2 हमको मिलेगा 1/6। अब इसको समझ लीजिए फिर से, ये हमारा लिखा है 3/2, तो ये एक फ्रैक्शन हो गई, 3 न्यूमिरेटर हो गया, 2 डिनोमिनेटर। उसके बाद में ये दूसरी फ्रैक्शन है 9 क्या है, नाइन जो हमारा वो न्यूमिरेटर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर यहाँ पे आप समझ लीजिए 1 लिखा है, तो जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ गया, 9 नीचे आ गया, तो ये 1/6 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं b1 by b2 क्या आएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो b1 की वैल्यू दी है वो दिया है 5/3, और b2 की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है -10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -10। आप इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, 5/3 ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखा है। अब यहाँ पर उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगी, ये नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, -10 नीचे आ जाएगा, 5 1 5 5 2 10, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिलेगी ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 2 3 6, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये माइनस है तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, तो b1 by b2 हमको मिल गया -1/6। उसके बाद देखिए c1 by c2 क्या दिया है, तो यहाँ पर जो c1 by c2 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ c1 by c2, c1 की वैल्यू आपको मिल रही है -7, क्योंकि 7 राइट साइड में, लेफ्ट में ले जाएंगे माइनस हो जाएगी। उसके बाद c2 दिया है -14, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमको c1 by c2 चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर a1 by a2 हमको मिला 1/6, और जो हमको b1 by b2 मिल रहा है वो मिल रहा है -1/6, तो हम ये कहेंगे ये इक्वल नहीं है। तो जब a1 by a2 b1 by a2 इक्वल नहीं होते हैं तो c1 की जरूरत नहीं पड़ती c1 by c2 की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1 by a2 is not equal to b1 by b2। आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों वैल्यू तो इक्वल आ रही हैं, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये इक्वल नहीं होगी। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि जो ऐसी कंडीशन होती है वो लाइन इंटरसेक्ट करती है और उसके बाद में इसका वन सोल्यूशन होता है, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट लाइन। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कंसिस्टेंट लाइन, इस तरीके से हमारा जो थर्ड पार्ट था स्टूडेंट वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो जो स्टूडेंट जो फोर्थ पार्ट दिया है उसकी जो फर्स्ट लाइन है वो लिखी है 5x - 3y = 11, सेकंड लाइन में लिखा है -10x + 6y = -22। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 by a2, तो जो हमारा a1 by a2 आएगा, आप देखिए a1 की वैल्यू 5 दी है, a2 की वैल्यू दी है -10, तो इसको जब हम कट करेंगे तो हमको मिलेगा -1/2, क्योंकि ये माइनस में दिया माइनस ऊपर चला जाएगा, 5 1 5 5 2 10। अब देखते हैं b1 by b2 क्या आ रहा है। तो हमारे पास जो b1 की वैल्यू दी है वो दी है -3, b2 की वैल्यू स्टूडेंट मिल रही है हमको 6 जो कि पॉजिटिव में है, इसको भी अगर हम कट करेंगे 3 1 3 3 2 6 3 2 6 3 1 3, और ये माइनस भी है तो ये माइनस हो जाएगा इसके साथ। इसके बाद में देखते हैं c1 by c2। तो देखिए स्टूडेंट c1 यहाँ पर क्या है, हमारा जो c1 दिया है वो दिया है 11, तो राइट साइड में ही लिखा है 11, तो इसको हम जब लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, और जो c2 दिया है वो लेफ्ट में दिया है और माइनस का, जिसको हम
ये राइट में दिया है माइनस का 22, जब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 22 लिख देंगे। इसको भी जब हम कट करेंगे माइनस 1/2 आएगा। तो देखिए तीनों रेशियो यहाँ पर इक्वल हो गए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो देखिए स्टूडेंट, जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो ये लाइनें जो होती है वो पैरेलल लाइन होती हैं, यानी कि इसका सोल्यूशन होता है लेकिन मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो जब सोल्यूशन मैनी हो रहे हैं यानी कि सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट, या हमारी लाइनें हो जाएंगी कंसिस्टेंट लाइन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फोर्थ पार्ट था वो भी हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट लिखा है जो फर्स्ट लाइन है 4/3x + 2y = 8, सेकेंड लाइन में लिखा है 2x + 3y = 12। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं, तो जो हमारा रेशियो होगा a1/a2, तो देखिए a1 की वैल्यू हमें मिल रही है 4/3, और जो a2 है वो हमें 2 दिया है। तो आप जिससे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर 2 के नीचे 1 है, ये ऊपर चला जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए 4/3 × 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो आप 2 को कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमको मिल जाएगा 2/3। अब हम चेक करते हैं b1/b2। तो b1 की वैल्यू स्टूडेंट दी है 2, b2 की वैल्यू हमको डायरेक्ट यहाँ पर 3 मिल रही है, तो ये b1/b2 हो गया। आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब हम लिखेंगे c1/c2। तो जब c1/c2 निकालेंगे तो आप देखिए c1 की वैल्यू हमको मिल रही है 8, यहाँ पर इक्वल में दिया है, तो लेफ्ट साइड में जब हम इसको करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 8, c2 भी माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का 12। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम जब इसको कट करेंगे 4 से ये कट हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। तो देखिए यहाँ पर तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं 2/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो देखिए स्टूडेंट, जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो ऐसी जो लाइनें होती हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, और इसके जो सॉल्यूशन होते हैं मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन इसमें है, तो इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट लाइंस। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 का था उसके फिफ्थ पार्ट थे, यहाँ पर सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4।